नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम धर्म दर्शन में। जानकारी के अनुसार तीसरे व चौथे दिन माँ चंद्रघटा और कुष्मांडा जी की पूजा होती है, लेकिन इस बार ये दोनों ही माता की पूजा एक ही दिन होनी है। चलिए आगे बात करते हैं माँ कुष्मांडा की, जिन्हें आज के दिन पूजा जाएगा। दुर्गा माँ के इस स्वरूप की मुस्कान मंद और हल्की है, इसी से ये ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने ईषित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यही कारण है कि माँ को आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसीलिए माँ को अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं माँ के आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। माँ का वाहन सिंह है, इन्हें कुम्हड़े की बलि बेहद प्रिय है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शौकों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। तो आइए आपको बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जाती है। नवरात्रि के इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माँ कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। माँ के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो आप भी इसी तरह अपने घर पर या मंदिर में माँ की पूजा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब हम धर्म दर्शन में बात करेंगे माँ कुष्मांडा के मंदिर की, जो कानपुर में स्थित है। बताते हैं कि कानपुर के घाटमपुर स्थित ये माँ कुष्मांडा का मंदिर इकलौता है। इतिहासकारों की माने तो मराठा शैली में बने मंदिर की स्थापित मूर्तियां संभवत दूसरी शताब्दी से दसवीं शताब्दी के मध्य की है। कहा जाता है कि एक ग्वाले ने सपने में देवी के दर्शन कर उनके इस स्थान पर मौजूद होने की बात बताई थी, जिसके बाद मंदिर का निर्माण सन 1890 में चंदन राम भुर्जी नाम के एक व्यवसायी ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार वास्तव में पहली बार स्थानीय राजा घाटमपुर दर्शन ने इनकी नींव रखी थी। देवी की मूर्ति खोजने वाले ग्वाले के नाम पर इस मंदिर को कुंडरा देवी मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति से नीर लेकर आंखों पर लगाने से दिव्य नेत्र ज्योति मिलती है, जिससे सारे नेत्र विकार दूर हो जाते हैं।
दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई नेत्र रोग से पीड़ित है तो एक बार आप जरूर कानपुर में स्थित कुष्मांडा माता के मंदिर जाइए और माँ का आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ कुष्मांडा के श्लोक की। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय माँ के मंत्रों को जाप करने से, जिससे प्रसन्न होकर माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा का मंत्र।
शक्तये नमः। ॐ ह्रीं कुष्मांडाय जगत्प्रसूत्यै 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 नमः। जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ह्रीं कुष्मांडाय 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 जगत्प्रसूत्यै नमः। Kushmandaye Jagat Prasutyai Namaha।
तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। चलिए, कल मिलेंगे आपको अगले नवरात्रे पे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।